आज की ये वीडियो है दो ऐसे काल्पनिक मॉन्स्टर्स के बीच जो अपने विशालकाय आकार, डरावनी लुक और ताकत के लिए जाने जाते हैं। आज की ये वीडियो है दो ऐसे पावरफुल जायंट के बीच जिनमें से एक घने जंगलों में छिपकर शिकार की राह ताकता है तो वहीं दूसरा समुद्र की गहराइयों में कई सदियों से चैन की नींद सोता आ रहा है और धरती पर मुसीबत आते ही ये समुद्र में लहर उत्पन्न कर जाग जाता है। तो ऐसे में क्या हो जब काले घने जंगलों में रहने वाला दैत्य धरती पर तबाही मचाने लगे, जिसे रोक पाना इंसानों के लिए नामुमकिन हो जाए, जिस वजह से इस मुसीबत को रोकने के लिए गॉडजिला को अपनी नींद तोड़नी पड़े। ऐसे में क्या गॉडजिला रोक पाता है तबाही मचाने वाले 40 फीट विशाल दैत्य सायरन हेड को, या सायरन हेड गॉडजिला को हमेशा की नींद सुला देता है? तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहे। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप प्रतिदिन खेलकर ढेर सारी अर्निंग कर सकते हैं। इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इसे इंस्टॉल कर रजिस्ट्रेशन करते ही आपको 91 रुपए मुफ्त में दिए जाएंगे। जिन पैसों को इस्तेमाल करते हुए आप चाहो तो उस दिए गए राशि के 51,000 भी बना सकते हैं और जीते गए रकम को तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। तो दूसरे गेम को खेल टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि आप इसे खेल लाखों कमा सकते हैं। और मैं आपको एक गिफ्ट कोड भी देता हूं जिसे यूज करते ही आपको 25 रुपए ज्वाइनिंग बोनस के मिलेंगे। साथ ही इस गेम को अपने दोस्तों तक रेफर करके आप ढेर सारी अर्निंग कर सकते हैं। वैसे इस गेम को खेलना और जीतना काफी आसान है। आपको सिर्फ अपने कॉइन इसमें लगाने हैं और कुछ देर की प्रतीक्षा में आप जीत सकते हैं। और ये रहा लाइव प्रूफ विड्रॉल का, जहां हम आसानी से जीते हुए राशि को तुरंत अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी इस गेम को डाउनलोड करें जिसका लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे इस गेम में एक बग भी है जिसे यूज करके आप 11,000 रुपए मुफ्त में ले सकते हैं। बस आपको VIP वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और उसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर आप 16,800 रुपए वाले VIP कार्ड को लेते हैं तो आपको कुल 29,000 रुपए तक मिल जाएंगे, जिसे आप अंदर बाहर नाम के गेम को खेलकर सारे पैसे निकाल सकते हैं। तो देर मत करिए, कमाना शुरू करिए घर बैठे, वो भी अपने फोन से। कहानी के अनुसार दोनों ही मॉन्स्टर के ओरिजिन की बात करें तो इसमें सायरन हेड को एक अज्ञात जीव बताया गया है, क्योंकि कई लोग इसे एलियन मानते हैं तो कुछ बस इसे कहानी मानते हैं। सायरन हेड की कहानी की बात करें तो ये बात है साल 1920 की, जब कनाडा के एक छोटे से कस्बे में एक औरत अकेले घूम रही थी। पर अचानक उस औरत की नजर जंगल में घूम रहे अजीबोगरीब जीव पर पड़ी। वो जीव कोई और नहीं, एक बेबी सायरन हेड था। जैसे ही उस औरत ने आगे की तरफ से उस जीव को देखा तो वो डर गई। जब ये बात उस औरत ने गांव में सभी लोगों को बताया तो कुछ लोग उस औरत का मजाक बनाने लगे, तो कुछ लोगों ने उस जीव को एलियन और शैतान कह डाला। पर जिस औरत ने उस बेबी सायरन हेड को देखा था उसने लोगों की बातों की परवाह किए बिना उस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया, क्योंकि इस बच्चे में अभी भी जान थी। इसलिए उस औरत की ममता सायरन हेड के प्रति जाग गई। फिर उस औरत ने सायरन हेड को लोगों की नजरों से बचाते हुए उसको पाला, उसे चलना सिखाया और बात करना सिखाया। लेकिन जब सायरन हेड की मुंह बोली माँ उसे लोगों के बीच ले गई तो सभी लोग डर कर वहां से भागने लगे, जिसे देख कर सायरन हेड को काफी बुरा लगा। पर वक्त के साथ जब सायरन हेड और बड़ा होता गया तो उसे भी इच्छा हुई कि माँ के अलावा भी वो दूसरे लोगों को जाने। पर जालिम जवाना ने सायरन हेड को इतना परेशान किया जिस वजह से वो एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल गया, या यूं कह ले लोगों ने अपने व्यवहार से एक भोले भाले जीव को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया। पर सायरन हेड अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए वो घने जंगलों में छिप गया ताकि इसकी माँ को उसके वजह से कोई शर्मिंदगी महसूस न करनी पड़े। और जब कभी उस जंगल से कोई लोग पार होता है तब सायरन हेड उसका काम तमाम कर देता है। खैर ये तो हुई सायरन हेड की मॉन्स्टर बनने का सफर। वहीं बात करें गॉडजिला की तो जापानी लोगों द्वारा बनाई गई कहानी के अनुसार समुद्र के अंदर मौजूद एक सामान्य सा जीव रेडिएशन की वजह से म्यूटेट हो जाता है और इसमें इतनी शक्ति आ जाती है जो पल भर में ही चीजों को राख में तब्दील कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कभी धरती पर ऐसी मुसीबत आती है जिसे इंसान संभाल ना पाए, वैसी स्थिति में गॉडजिला का समुद्र से उदय होता है और वो धरती पर आकर लोगों की रक्षा करता है। और जब इसे लगता है कि अब खतरा टल चुका है तब ये पुनः समुद्र की गहराइयों में चला जाता है ताकि ये ऊर्जा का संचय कर सके, क्योंकि ये दूसरे जीवों को नहीं खाता बल्कि ये धरती से निकलने वाला रेडिएशन का सेवन करता है। दोनों की अपीयरेंस की बात करें
तो इसमें सायरन हेड एक 40 फीट विशाल मॉन्स्टर है जिसके सिर के दोनों तरफ दो बड़े सायरन लगे हुए हैं। हालांकि सायरन हेड दिखने में काफी पतला लगता है लेकिन इसकी बॉडी लोहे सी मजबूत है और इसके लंबे लंबे पैर इसे तेज भागने तथा विशाल हाथ शिकार को पकड़ने में काम आते हैं। सायरन हेड का रंग किसी सूखी लकड़ी या जंग लगे हुए लोहे की तरह होता है और इसके हाथों पर मौजूद नुकीली अंगुलियां किसी तलवार सी धारदार और मजबूत है। वहीं साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की मूवी के अनुसार गॉडजिला एक 394 फीट विशालकाय मॉन्स्टर है जो दिखने में किसी डायनासोर की तरह लगता है, जिसके पीठ से लेकर पूंछ तक चट्टानों की तरह मजबूत डोर्सल प्लेट पाए जाते हैं। गॉडजिला का पूरा शरीर काफी बल्की दिखता है क्योंकि इसका वेट 99,000 टन से भी ज्यादा का होता है। साथ ही इसका पूरा चेहरा काफी डरावना दिखता है। दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसमें सायरन हेड की सायरन ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि इसी सायरन की मदद से ये इतनी तेज आवाजें निकाल सकता है जिससे आदमी बहरा या दिमाग की नस फटने पर कोई मर भी सकता है। इसके अलावे इसका सायरन इतना शक्तिशाली होता है जिसके दम पर ये एक विशाल टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है और इसी दो बड़े सायरन की मदद से ये कई तरह की आवाजों को नकल कर सकता है। साथ ही ये लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है। इन दो सायरन्स के अलावे भी इसके पास एक अजीब सी शक्ति है, माइंड रीड करने की एबिलिटी, जिसकी मदद से ये तुरंत पता कर लेता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। सायरन हेड के पैर इतने लंबे होते हैं जिसकी मदद से ये काफी फास्ट भाग सकता है और इसके लंबे हाथ तथा नुकीले नाखूनों से ये किसी भी जीव को पल भर में मार सकता है। सायरन हेड काफी अकलमंद भी है, इसलिए जब इसे लगता है कि अब छिपना है तो ये कैसे भी वातावरण में खुद को कैमोफ्लाज कर सकता है, चाहे वो खुद को एक ट्री बनाना हो या एक पोल, इसे कोई पहचान नहीं पाता। वहीं बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो गॉडजिला काफी विशाल आकार का काइजू है और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर इसने कई काइजूस को हार का स्वाद चखाया है, चाहे वो मेल म्यूटो को धक्का देना हो या किंग गिदोरा जैसे मॉन्स्टर से भिड़ना हो। पर ताकत के साथ साथ इसमें लाजवाब की फुर्ती पाई जाती है जिस कारण ये 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। वहीं गॉडजिला किसी स्टील से भी काफी मजबूत या ड्यूरेबल है क्योंकि मानव के आधुनिक हथियार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके अलावे किंग गिदोरा का ग्रेविटी बीम भी इसे नहीं मार पाई थी। ताकत बढ़ाने के लिए गॉडजिला हजारों सालों से धरती की ऊर्जा सोख रहा है और इसी वजह से ये खुद को हील भी कर सकता है। यहाँ तक कि जब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के कारण गॉडजिला लगभग मरने ही वाला था, तब न्यूक्लियर ब्लास्ट के चलते गॉडजिला पूरी तरह से हील होने के साथ साथ काफी शक्तिशाली भी बन जाता है। वैसे गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से तो आप जरूर परिचित होंगे, खासकर जब इसने म्यूटो को मार डाला था। वहीं गॉडजिला में न्यूक्लियर पल्स की भी कमाल की एबिलिटी है क्योंकि इसी एबिलिटी के चलते इसने किंग गिदोरा को मार डाला था। तो ऐसी स्थिति में जब कभी सायरन हेड और गॉडजिला के बीच मुकाबला हो तो हो सकता है कि पहले सायरन हेड अपने आवाज से लोगों के कान फाड़ दे, लेकिन ये आवाज गॉडजिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के दौरान भी आवाज इतनी तेज निकलती है कि आसपास की इमारतें हिल उठती है। ऐसे में सायरन हेड का आवाज कोई काम नहीं आएगा। और रहा बात माइंड पढ़ने का, तो शायद सायरन हेड माइंड को पढ़ने के बाद ये बात जान जाएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भले ही सायरन हेड लोहे सा मजबूत हो, पर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ के आगे लोहे भी पिघल जाते हैं। यहाँ तक कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी गॉडजिला कुछ ही सेकंड्स में सायरन हेड को मार डालेगा। खैर, आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।